डिफेमेशन से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है एग्जैक्टली? डिफेमेशन। एकदम शांति से सुनते रहेंगे, ठीक है? डी टू एच वाले बच्चे पढ़ रहे हो ना, आ जाओ। सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा सा एक बच्चे को काम देता हूं, नहीं तो सारा बच्चा निकाल लेगा फोन। फोन कोई बच्चा नहीं निकालेगा, अपने बैग में रखिए। तुम फोन निकाले हो ना, इंटरनेट है ना, इंटरनेट चलता है ना, ठीक है, गूगल है ना, ठीक है। चलिए, एग्जैक्ट हिंदी अगर जानना होगा तो फिर आप जानते हैं हम लोग गूगल से लेते हैं। फेम का मतलब क्या होता है? पहले एक बात बताइए, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? एक बार और सुनो, एक इंग्लिश का बड़ा अच्छा नियम है, किसी भी वर्ड के पहले डी लगा दोगे उल्टा हो जाएगा, है ना? किसी भी वर्ड के पहले डी लगा दीजिए वो उल्टा हो जाएगा। हिंदी में किसी भी चीज के पहले अ लगा दीजिए उल्टा हो जाएगा। नहीं जानते हैं चीज? सहमत, असहमत, सावधान, देखा है? आप उसमें अ लगा दीजिए उल्टा हो जाएगा, और इंग्लिश में क्या लगा दीजिए? डी। तो सुनिए, इसमें ना मेन पकड़ना आपको फेम। लिखो फेम। फेम का मतलब होता है रुतबा नहीं भाई, प्रसिद्धि। लिखो सिद्धि नहीं, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, ख्याति। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड सब बोला हूं, अभी और लिखवा दूंगा, रुको पहले देखो क्या क्या है। मान, मान तो सुना होगा तुमने, लेकिन मान सम्मान, मान सम्मान, इज्जत नहीं इज्जत, है? है? यश, यश, है ना? बोलो क्या क्या, क्या क्या बोला, क्या क्या हिंदी में लिखा तुमने? मान सम्मान, और बोलो यश, और ख्याति, और प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी का हिंदी होता है प्रसिद्धि। और बताओ और क्या दिखा रहा है फेम का? चलो देख लिया। अच्छा डी फेम लगा दूंगा तो मेन वर्ड मैं लेके चलूंगा मान, मेन वर्ड क्या लेके चलूंगा? मान। और डी फेम का मतलब मान हानि, क्या है? मान हानि। तो डिफेमेशन का एग्जैक्ट हिंदी है मान हानि, लिखो, है ना? डिफेमेशन का एग्जैक्ट हिंदी है मान हानि, मान की हानि, मान हानि, लिख लो, मान हानि, मान हानि, लिखा। डिफेमेशन का एग्जैक्ट हिंदी क्या है? मान हानि। कौन सा हानि? हानि नहीं, हानि, मान हानि, ठीक है? चलिए सुनिए, इधर देखो, शांत 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 शांत। आपको याद होगा डिफेमेशन मैंने टॉट में भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने टॉट पढ़ाया तो। आइए जरा ध्यान से सुनिए, एकदम शांत रहिए। कोई भी आदमी अगर अपने बोले हुए से या कोई चीज रिटन में लिख दिया जिसको लोग पढ़ लिया, या किसी साइन से या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, किसी के बारे में कोई इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन का मतलब लिखो हिंदी में, देखो इम्प्यूटेशन का हिंदी क्या आ रहा है? देखो ऐसे आरोप होता है, लेकिन एग्जैक्ट हिंदी मिल जाएगा तो और अच्छा है। समझ में आ गया आरोप? एग्जैक्ट हिंदी नहीं चाहिए, कहा लिखना पड़ जाएगा ना, इम्प्यूटेशन, आरोप आ रहा है, ठीक है? तो लिखो आरोप, लिखो इम्प्यूटेशन मतलब आरोप, इम्प्यूटेशन मतलब आरोप, इल्जाम, हाँ इल्जाम, इल्जाम बहुत अच्छा है, इल्जाम लगो, है ना? आरोप और इल्जाम, एग्जाम नहीं इल्जाम, नहीं इल्जाम नहीं लिख पाते हो तुम लोग, इल्जाम या पूरा ल है? अच्छा है, आधा ल है, ठीक है जो भी है देख लो, ठीक है? तो इम्प्यूटेशन मतलब इल्जाम या आरोप, आपने किसी के ऊपर क्या लगा दिया? इल्जाम। इल्जाम ऐसा लगाया कि सामने वाले बेचारे को क्या हो गया? हार्म हो गया। हार्म किस चीज का हुआ? रेपुटेशन का। रेपुटेशन का मतलब मान का, तो इसी को बोलेंगे मान हानि। ये हुआ ना, आपने सामने वाले का क्या कर दिया? मान हानि कर दिया। क्लियर है जी? अभी जो प्रेजेंट केस अभी चल रहा है, राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन का ही तो केस हुआ है। कितने साल की सजा हुई है उसको? 2 साल की हुई है, पक्का मालूम तुम लोगों को? तो मान हानि का केस हुआ। क्या हुआ है? मान हानि का केस हुआ और सजा भी हो गया। शांत रहिए, शांत शांत शांत, वो अपील में चला गया है तो वो बिल पे आ गए। चलिए अब सुनो जरा ध्यान से, अगर आप ये सब करते हुए पकड़े गए तो माना जाएगा जैसे आपने सामने वाले का क्या कर दिया है? डिफेमेशन। क्या कर दिया है? डिफेमेशन। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, अब सुनते जाना, शांत हो जाओ, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। अच्छा एक बात बताइए, कोई आदमी मर गया है,
और मरे हुए आदमी के बारे में गलत फलत बोल रहे हो तो भी क्या डिफेमेशन होगा? आराम से सोच सोच के बोलो, आदमी मर चुका है, मरे हुए आदमी के बारे में गलत फलत बोल रहे हो, जैसे कोई मर गया, ठीक है मर गया, है? होगा? याद रखिएगा, मरा हुआ आदमी अगर वो जिंदा होता तो क्या उसकी मानहानि होती? हाँ मानहानि, तो इसका मतलब मरे हुए आदमी का भी मानहानि होता है। अच्छा, उस मानहानि से हो सकता है कि उसको पर्सनली नुकसान ना हो, पर्सनली कैसे नुकसान हो, तो खुद ही नुकसान हो चुका है, समझे? पर्सनली नुकसान ना हो तो किसको नुकसान हुआ होगा? उसके फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स को नुकसान हुआ, तो केस तो वही लोग करेगा। तो याद रखना, इसका मतलब मरे हुए इंसान का भी मानहानि हो सकता है, समझ गए? और जिस दिन वो पर्सनल ले लिया ना मानहानि, उस दिन इतना हानि करेगा ना तुम्हारा, इसलिए इम भ्रीम कोल्ड क्रीम भी काम नहीं आएगा, समझे ना? देखे हो ना कौन सी फिल्म, भूल भुलैया 2, कैसे मानहानि का गोलमाल, अच्छा गोलमाल, हाँ गोलमाल में भी तो था। चलिए आई अगला और पूछता जाता हूं। अच्छा एक बात बताओ, बिना देखे इधर देखो, कंपनी है या एसोसिएशन पर्सन, इन टोटल आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या उसका भी मानहानि होता है? कहां लिखा हुआ है? सबका होता है, नेचुरल पर्सन का भी मान हानि होता है और आर्टिफिशियल पर्सन का भी मान हानि होता है, जिसका मान है उसका हानि। तो ये बड़ा जरूरी है, मान होना चाहिए, है ना? जैसे तुम लोग बोले मान हानि का केस करूंगा, तो कोर्ट बोले मान कहाँ है तुम्हारा? अरे हानि तो तब होगा जब मान हो, है ना? एक चीज मैंने देखा है, जिस उम्र में सबसे कम मान होता है उसी उम्र में सबसे ज्यादा हानि होता हुआ दिखाई देता है। जैसे मैं इतना फ्लेक्सिबल लाइफ में हो चुका हूं, को कुछ बोल भी देता है, ठीक है जाओ तुम हीरो जाओ, जैसे कोई कुछ बोल देगा, हाँ तुम हीरो, अरे तुम भगवान हो जाओ, मैं नहीं कोई और पीट देगा तुम जाओ, मैं क्यों अपना हाथ खराब करूं। लेकिन तुम लोग जिसमें, अच्छा बोला कैसे, आज यही का यही तुझे दिखाऊंगा, जैसे मान 1 रुपया का नहीं है और हानि 1 लाख का हो रहा है, और जिनका 1 लाख का मान है उसका वो हानि हो भी जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये समय समय की बात है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खून में ही गर्मी रहती है अभी, है ना? देखते हो तुम लोग खून देने उन्हें जाते हो तो खून जहां काटा है एक निकल जाता होगा, तुम लोग का खींचना भी नहीं पड़ता होगा। लेकिन अब हम लोग हैं कि चलो यार छोड़ो, हम लोगों को तो कोई कुछ बोल भी देता है, जैसे रोड उड पे जाओ तुम ही रो जाओ, मेरे से नहीं किसी और से मरोगे जाओ, हम अपना केस क्यों लगवाए अपने ऊपर। एक्सप्लेनेशन नंबर 3। अच्छा एक बात बताओ, हमने मान हानि ऐसे नहीं बोला, जैसे सुनने देखो, जैसे ये बच्चा सीधा मुंह पे कुछ नहीं बोल रहा हूं, टोंट कस रहा हूं, सुना टोंट कसना, क्या बोलते हो टोंट कसने को? ताना मारना, टोंट कसना, तो आयरनी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयरनी, है ना? तो आयरनी मारा तुमने, आयरनी का मतलब लिखो कहीं टोंट कसना, और क्या बोले? ताना मारना, ताना टोंट कसना सुना होगा, 99% पढ़े लिखे लोग टोंट ही तो कसते हैं, सीधा कहां कोई बोलता है बताओ? दिन भर में तुम लोग का 10-12 बार बेइज्जती कर देते हो, तुमको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मैं टोंट कसता हूं तुम पे, है कि नहीं? तो अच्छा टोंट कसना भी मानहानि होगा, कैसे पता चलेगा बताओ? एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ? टोंट कसना भी क्या माना जाएगा? मान हानि माना जाएगा, क्योंकि आजकल ये सेक्शन अगर औरतों को पढ़ा दिया जाए तो सबकी साथ जेल में होगी, क्योंकि वहां तो चलता ही क्या है, टोंट नहीं माना नहीं, टोंट हर बात पे क्या मारा जाता है? ताना। अच्छा कितने लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं घर में कि हाँ ये सास बहू और वो देवरानी देव कौन क्या क्या होता पता नहीं क्या होता है, पति के बहन को क्या कहते हैं? ननद। इन सब में टोंट बाजी चलता है, कितने लोग घर में एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ ये खूब चलता है, सच में चलता है, मतलब ये लोग समझते नहीं है कि अब लोग जान गए हैं नहीं करना, हमें चलता ही रहता है, बाप रे बाप, हर लेवल पे ये कहानी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, शांत 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 शांत, किसी को एक रूम में ले गए, ठीक है, किसी को एक रूम में ले गए, ठीक है, चारों तरफ से गेट बंद कर दिया, ठीक, और उसके कान में बोले कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ है, अब बताइए मानहानि होगा? इस पर पढ़िए पढ़िए, पढ़ना भी जरूरी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 पढ़िए। मैंने क्या बोला? एक रूम में ले गए, बंद किए, उसे कान में बोले कि तेरे जैसा कोई नहीं है, बीप का आवाज नहीं निकाल पा रहा हूं मैं, तुम समझ ही गए होगे,
कान में बोले, दोनों तरफ से बोले, तीन गाली इधर से, तीन गाली इधर से, लेकिन कोई नहीं सुना, दुनिया में कोई नहीं सुना, बोलने वाला और सुनने वाला सिर्फ सुना बस। अब बोलो कैसे पता चला नहीं हुआ वो? बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था ये, याद रखिएगा, मान हानि तब होगी जब दूसरों के नजर में मान हानि हो, नहीं समझे आप? तो इसका मतलब ऐसे भी कहा जाता है कि जब बंद कमरे में अलग से किसी को बैठा के आप उसके खिलाफ बोलते हैं तो वो सलाह माना जाता है, वही चीज अगर पब्लिक में बोल देते हैं आप तो उसकी बेइज्जती मानी जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए मैं टॉप 5 रिजल्ट ही दिखाता हूं, उसके बाद का रिजल्ट नहीं दिखाता। जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे लगाते हैं ना एडवर्टीजमेंट में, तो टॉप 5 बच्चों का ही नाम छापता हूं, पूरा लिस्ट नहीं छापता। पूरा लिस्ट छापने का मतलब हुआ पब्लिक की नजर में किसी बच्चे को -1, -2, -3, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि नहीं? तो सलाह हमेशा प्राइवेट में देना चाहिए। अगर आप दुनिया के सामने सलाह दे रहे हैं इसका मतलब आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो अकेले में बैठा के जिसको जो कहना कह सकते हो, दूसरे को पता चलना नहीं चाहिए। तो कुछ भी करने का, रूम बंद करने का, जितना गाली देने का गाली देने का। चलिए आइए आगे देखिए। अच्छा एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। अगर दूसरों के नजर में आपका मॉरली या इंटेलेक्चुअली आपका कैरेक्टर कम होता, देखो लोअर्स देख रहे हो, यहाँ पे कैरेक्टर पे बात आती है, क्रेडिट पे बात आती है, उसके बाद सामने वाले के नजर में आप हेटफुल हो जाते हैं, है ना? सामने वाले आपको क्या समझता है? डिसग्रेसफुल। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं दूसरों के नजर में तो इसका मतलब वो डिफेमेशन है। क्या है? डिफेमेशन। मतलब बार बार मैं बोलूं दूसरों के नजर में, अकेले अकेले में नहीं, अकेले में कुछ भी बोलो चलेगा, अकेले में तो सबको अपने बारे में मालूम है क्यों क्या है कि नहीं? तो बस ये कि सबके सामने मत बोलिए, सबके सामने बोलने से वो डिफेमेशन हो जाएगा। कुछ इलस्ट्रेशन आ रहे हैं, देखिए एक आदमी बोलता है, ये बहुत हुआ मेरे साथ भी बचपन में बहुत हुआ, ये वाला देखो, इधर देखो, इधर देखो, जैसे हल्ला हो रहा है कि मालूम चला किसी का ना वॉच, घड़ी, किसी की घड़ी चोरी हो गई है, तो मैं एकाएक चिल्ला के बोल रहा हूँ, आपका नाम क्या? वेदांत। नहीं नहीं वेदांत अच्छा लड़का है, ये चोरी नहीं किया होगा। आप समझो इसमें मैंने बोल दिया कि चोरी कर भी सकता है, तुम नहीं समझे। जैसे जैसे बात कहीं चल रही है, मतलब उस कोने में बात चल रही है, जैसे मैंने देखा भीड़ है वहां पे, तो मैंने बोला किस बात की भीड़ लगी वहां? तो सर ने घड़ी चोरी हो गया, तो मतलब वेदांत अच्छा लड़का है, ये चोरी नहीं किया होगा। इसका मतलब आपने इसको उससे जोड़ दिया, याद रखिए ये भी डिफेमेशन है, पर हो तो है ए पॉइंट पर हो तो। है ये लिखा हुआ क्या? ये भी डिफेमेशन है। यस। तो बहुत बार लोग डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं। मुझे आज तक याद है मैं हमेशा बड़े लोगों के बीच में रहा, मतलब मैं जब क्लास 3 में था तो मेरे आसपास के जो पड़ोसी सब थे वो 6 के थे 7 के 8 के, तो मैं उन लोगों के साथ हमेशा खेला कूदा। अब उन लोगों के साथ खेला कूदा तो हमेशा मुझे ऑपरेस किया गया, ऑपरेस ही करेगा ना वो सब लंबे लंबे बड़े बड़े, मैं छोटा सा। तो एक बार क्या हुआ, किसी से मैं झगड़ा हो गया, उसके भाई से, दो भाई वाला था, तो एक भाई से मैंने झगड़ा कर मारपीट कर लिया। तो उसका बड़ा भाई आके क्या बोलता है, छोटे भाई को डांटता है, तुम क्यों उससे झगड़ा किया, तुमको मालूम है नहीं बेवकूफ है ना, और मेरे तरफ नहीं देख रहा है। आप समझिए कितना चलाक है, सो देखिए आप, वो मेरे तरफ नहीं देख रहा है, वो अपने भाई को डांट रहा है, अब भाई को डांटते डांटते मुझे बेवकूफ कह रहा है। ऐसा खूब होता है, ये दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो और ये सब चीज में आप जाएंगे, आप देखिएगा वो डांटेगा अपने वाले को लेकिन बीच बीच में आपको गाली देता रहेगा। तो ये मेरे साथ खूब होता था, मुझे साफ बोले जा रहा है कि तुमको बोले ना इससे झगड़ा नहीं करोगे तुम, तुमको मालूम है इससे पास दिमाग नहीं है, तुम झगड़ा किए जाते हो, तुम बेवकूफ हो, तुम ऐसे आदमी के साथ झगड़ा करते हो, बोलो बोलो आज के बाद तुम इस बेवकूफ आदमी के साथ दिखाई नहीं देना चाहिए, बेचारा वो आदमी खड़ा हो गए। तो ये सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए आप लोगों के साथ कभी हुआ है ऐसा वाला? ये सबके साथ ही होता है, पढ़े लिखे लोग यही काम करते हैं। आइए बी पॉइंट, ए हो गया और ए के बाद बी। बी में क्या हुआ, सुनिए जरा ध्यान सुनिए। उधर हल्ला चल रहा है कि सर घड़ी चोरी हो गया, घड़ी चोरी हो गया, तो मैंने कहा क्या हुआ, घड़ी चोरी हो गया, घड़ी चोरी हो गया है, देखो इधर कहीं चोरी हुआ हो, मैंने इसका नाम वाम नहीं लिया मैंने, या ऐसे जरूरी नहीं उंगली दिखाऊं, अच्छा घड़ी चोरी हो गया मिल जाएगा, अब बताओ बार बार बोला मिल जाएगा, इसको देख रहा हूं तो क्या मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं? तो याद रखना ये भी डिफेमेशन है, जरा पढ़ी तो है डिफेमेशन, पढ़ो तो है, कहां लिखा हुआ डिफेमेशन है,
ये भी डिफेमेशन है, अगर एक्सेप्शन में फॉल करता है तो बात अलग, एक्सेप्शन तो बहुत सारे हैं। खैर आइए तीसरा, तीसरे में कुछ नहीं, वहां हल्ला मच रहा है कि घड़ी चोरी हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि एक चित्र बनाया मैंने, पिक्चर, और पिक्चर में इसका फोटो बना के घड़ी लेके भागते हुए दिखाया, देख ले देख ले। ये खूब चलता कार्टून, लोग कार्टून बना बना के टॉन्ट मारते हैं दूसरे पे, जैसे आज तक पे एक आता सो सॉरी, आपने देखा होगा उसमें ज्यादातर में राहुल गांधी को गिरते पड़ते मार खाते ही दिखाता है, अब मोदी साहब को हमेशा वो बॉस ही दिखाता है, एक्चुअली वो एक्सेप्शन में फॉल करा लेता है। कैसे एक्सेप्शन में फॉल करा लेता है, अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनका इज्जत करना, प्राइम मिनिस्टर हैं ज्यादा एमपी एमएलए उनके पास एमपी हैं तभी तो हैं, इसलिए उसको जीता हुआ दिखा रहे हैं, नहीं समझे, एक्सेप्शन में फॉल करा के लेकिन काम तो वही हो रहा है, बात समझ में आ गया। तो डिफेमेशन तो भाई बहुत तरीके का है, तो बाई वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है, बाई पिक्चर भी हो सकता है, और बाई आपके इशारे से भी हो सकता है ना। हाँ ये तीनों का एग्जैक्टली क्या है देख लीजिए आप, आता रहता ना ऐसा ऐसा। हाँ जी एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 5 स्टार रेटिंग दो। एक्सेप्शन का मतलब बोलो, ये डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, ये डिफेमेशन माना नहीं जाएगा। एक्सेप्शन बहुत सारे हैं यार, देखो तो कितने एक्सेप्शन है, नहीं बहुत सारे नहीं बल्लू देख के बताओ, बहुत सारे नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ तक जा रहा है, नाइन्थ तक जा रहा है, टेंथ तक जा रहा है, नाइन्थ तक टेंथ तक, टेंथ वर्ड लिखा टी एन टी एच लिखा है, तो बताइए टी एन टी एच लिखने के बावजूद नाइन्थ कोई पढ़ रहा है तो क्या डिफेम करूं, या तो फेम ही नहीं है। आइए इम्प्यूटेशन का मतलब, अभी कुछ देर पहले बोला था आरोप भी है, और एक बार अच्छा बोला था इल्जाम, हाँ लिख दो इल्जाम लिखो आरोप लिखो, लिख देना एक बार बार बार, नहीं तो बार बार भूल जाऊंगा। इम्प्यूटेशन, आपने आरोप लगाया और वो आरोप सच निकला तब तो कहां से डिफेमेशन है भाई, सच तो बोला है मैंने, लेकिन एक सच प्रूफ करना बहुत बड़ी बात है कि नहीं। कभी कभी तो इस देश में ऐसा लगता है कि चुप रहो वही अच्छा है, कुछ बोल दिए माउंट ऑफ डिफेमेशन बन जाएगा। दूसरा, अच्छा एक बात बताइए, आपने किसके बारे में बोला, पब्लिक सर्वेंट पब्लिक फंक्शन, और भी गुड फेथ में बोला, पब्लिक का मतलब सरकारी, लिखो गवर्नमेंटल, पब्लिक का मतलब सरकारी, सरकारी ही लिखना हिंदी में याद रहेगा आपको। मालूम है हम लोग नहीं बोलते सरकार के ऑफिसर से खिलाफ, जैसे एसबीआई के बारे में बोलते हैं लंच ही होता रहता है, तो क्या एसबीआई केस कर देगा मेरे पे, सच में लंच होता रहता है तुम्हारे यहाँ, है कि नहीं। उसके बाद और भी है, जैसे सरकारी लोग काम नहीं करते, तुमने देखा होगा सरकारी कर्मचारी को लेकर बहुत मजाक बनाया था, और मजाक बनने लायक हैं भी वो, क्योंकि सच में अगर वो लोग सही ढंग से काम करे तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाए, पर वो लोग ठीक ढंग से काम नहीं करते, सच बोलता हूं, क्योंकि सारे बड़े बड़े रिसोर्सेज तो सरकारी लोगों के पास हैं, प्राइवेट के पास तो नॉर्मल सेक्टर्स हैं, है कि नहीं। तो सरकारी लोगों के साथ तो देखो, ऊपर से सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सरकारी लोगों का शादी तो इतना दिखाया जाता है, हाँ मतलब उसमें दिखाया जाता है कि जो सरकारी नौकरी पाया हुआ लड़का है उसको लड़की बहुत सुंदर मिल रही है ना, देखा है, और कुछ ज्यादा ही डिफरेंस होता है यार, मतलब थोड़ा बहुत चले इतना डिफरेंस भी ठीक नहीं है, मतलब अनलिमिटेड डिफरेंस होता है, एक एकदम कोयला दूसरे तब एकदम हीरा है ना, तो ब्लैक ब्लैक डायमंड होगा वो, आपको मालूम है ना कोयले को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, तो भाई वही है, सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज है। आइए अगला, थर्ड एक्सेप्शन, अच्छा आपने कोई पर्सन के बारे में बोला, लेकिन पर्सन के बारे में क्या चीज को लोगों बोला, पब्लिक, मतलब घूम फिर के क्या हो गया वो जल्दी बताओ, सरकारी, जैसे आपने बोला कि ये डीएम यहाँ का ठीक से काम नहीं कर रहा, तो क्या डीएम तुम्हें मना नहीं कर देगा, अरे भाई आप सरकारी पोस्ट पे बैठे हैं, मैं तो कोई भी कुछ बोलेगा ठीक से काम नहीं कर रहे तो बोलेंगे नहीं क्या, पुलिस के बारे में खूब इल्जाम लगाया जाता है, घूस खाती है पुलिस, तो बस तो क्या पुलिस ऐसा सुना कि पुलिस ने किसी पर डिफेमेशन कर दिया, सरकारी चीजों पर आप आराम से बोल सकते हैं, बशर्ते हो गुड फेथ में हो, किसमें हो, गुड फेथ में हो। चलिए अगला, अच्छा कोर्ट का प्रोसीडिंग्स है वो आपने छापा तो चलेगा ना, अब जैसे कल परसों में यूपी में माउंटचला जो एक गैंगस्टर है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही थी, तो उसकी हाँ उसकी रिपोर्टिंग दिखा रही है, रिपोर्टिंग दिखा रहा है कौन, आज तक चैनल या कोई भी चैनल दिखा रहा है, चैनल दिखा रहा है उसमें बोल रहा है गैंगस्टर गैंगस्टर, तो क्या वो केस कर देगा कि गैंगस्टर कहां से तुम वोट ले आए, बहुत बड़ी लोग कर भी देता है, लेकिन जब तुमको आजीवन कारावास हो गया तो इसका मतलब तुम गैंगस्टर ही थे, है कि नहीं। चलिए आगे,
अच्छा एक बात बताए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओपन कोर्ट को भी यहाँ कोर्ट ही माना जाएगा। ओपन कोर्ट का मतलब जैसे पंचायत वगैरह होता है ना। चलिए लिख लो ओपन कोर्ट, पंचायत सब जैसा। चलिए अब जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा। केस डिसाइड हो गया कोर्ट में, वहां पे क्या देखा गया, विटनेस का कंडक्ट या अदर लोगों का क्या देखा गया, कंडक्ट, और उसके बारे में आपने कुछ बोला। अब एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। फिफ्थ एक्सेप्शन का एग्जांपल भी देखो तो है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए जरा इसको पढ़ना, तो तुम ए पॉइंट को पढ़ो। तो ए कहता है, अरे पढ़ लो भाई, एग्जाम में हालत खराब हो जाएगा तुम लोग का। पढ़िए ए क्या कह रहा है। आई थिंक जेड जेड का जो एविडेंस था वो इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी था कि मुझे लगता है वो स्टूपिड है या डिसऑनेस्ट है। मतलब ए का कहना है कि जेड का एविडेंस, मतलब जेड ने जो सबूत पेश किया वो अपने ही सबूत से कॉन्ट्राडिक्टरी है। बोल रहा है कुछ और सबूत पेश कर रहा है कुछ और। जैसे मालूम चला, ऐसे सुनो, जैसे बोल रहा है साहब मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, है ना सर, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया। तो बोलता है जेब जेब में क्या है, तो जेब से निकाला चाकू। तो बताइए एविडेंस क्या निकल रहा है, आप बोल क्या रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे, महा स्टूपिड लगता है। अच्छा ऐसा लाइन जो बोले, क्या ये डिफेमेशन है, चूंकि तो हुआ है, जरा पढ़ के देखो तो डिफेमेशन माना है कि नहीं, पढ़ो तो। याद रखिएगा तब तक जब तक गुड फेथ में हो, ये ना। अच्छा लेकिन बी पॉइंट पर हो तो, बी पॉइंट में थोड़ा सा अलग हो गया। ऊपर के स्टेटमेंट दूसरे के स्टेटमेंट डिफरेंस है। दूसरे में तुम पहले ही उसको क्या कह दियो कि मुझे पहले से मालूम है कि आदमी ठीक नहीं है। वर्सिटी का मतलब विश्वास, मतलब ये आदमी विश्वास योग्य नहीं है, मुझे पहले से पता है। तो मुझे पहले से पता तो तुम क्या डिसीजन दे दिए। देखो पहले वाले में वो क्या बोला, पहले वाले में वो आदमी को नहीं कुछ कह रहा, वो बोला एविडेंस गलत दिया इस वजह से मुझे लग रहा है कि बेवकूफ है। लेकिन सेकेंड वाले में वो क्या बोल रहा है कि चूंकि आदमी गलत है इस वजह से एविडेंस गलत आएगा। अरे यार तुम कैसे जान गए आदमी गलत है पहले से, दोनों में डिफरेंस है, पहले ही समझिए आप। पहले वाले में क्या बोल रहे हो, चूंकि उसने गलत एविडेंस दिया तो मुझे लग रहा है वो बेवकूफ है। और दूसरे में क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं लग रहा ये एविडेंस दे पाएगा चूंकि पहले से बेवकूफ है। तो ये अजीब बात नहीं है, तो ये आप समझिए। चलिए सिक्स एक्सेप्शन जरा बताओ तो ये क्या है। पब्लिक परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। जैसे फिल्म बनाई जाती है तो फिल्म के क्रिटिक्स होते हैं। जैसे भी फिल्म रिलीज होगी, मान लो भोला फिल्म रिलीज हुई, रिलीज होते ही यूट्यूब पर ना यूट्यूबर्स का बाढ़ आ जाएगा उसका वो करने के लिए, क्या कहते हैं रिव्यू, रिव्यू क्रिटिक्स करने के लिए। हमें ये अच्छा नहीं लगा, महा घटिया फिल्म, ये डायलॉग कितना घटिया था, एक्शन कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद ये लोग थंबनेल बनाए, ये क्या कट डाला, देखा होगा ऐसे बनाता है लोग थंबनेल, है ना, और ऐसे सिर पे बर्बाद कर दिया बॉलीवुड खत्म। हम लोग तुरंत क्लिक करके देखते हैं खत्म हो गया क्या बॉलीवुड, ऐसे करते हैं ना हम लोग। YouTube पे यही चल रहा है आजकल, और देखोगे तो कितना कितना व्यूज आ रहा था इन लोगों को। तो ये याद रखिएगा, फिल्म जब तुम खुद ही रिलीज कर दिए पब्लिक के लिए तो पब्लिक में से कोई कुछ भी बोलेगा, अब बोलता है कि नहीं। हाँ बस फिल्म पे बोलिए लेकिन पर्सनली मत बोलिए। जैसे एक तुम्हारा वो कमाल आर खान है कि ऐसे कुछ नाम है, के आर के है ना, वो कुछ भी बोलता है और वो पर्सनली बोलने लगता है। वो सलमान खान को गाली उली दे दिया था और सुना होगा सलमान खान ने उसके ऊपर डिफेमेशन केस डाल दिया। अरे फिल्म को मैंने उतारा मार्केट में, अपने आप को नहीं उतारा है। जो मेरा क्रिटिक क्यों बन रहे हो यार, आपको फिल्म अच्छी लगी नहीं लगी उसके बारे में बात कीजिए। वो पर्सनली बोलने लगा था। अच्छा वो शाहरुख खान के खिलाफ भी बोला था, और वो अजय देव एक्चुअली उसका नेगेटिविटी ही उसका वो है टीआरपी है, क्योंकि वो नेगेटिव बोलेगा तभी चलेगा, पॉजिटिव कौन देखने जाएगा उसको, है कि नहीं। तो आपने देखा वो केआरके हर फिल्म का रिव्यू करता है वो, है कि नहीं। तो आप देखो फिल्म का रिव्यू तो कोई भी कर सकता है, आपने खुद ही फिल्म को प्रोडक्ट को उतार दिया है पब्लिक की नज़र के लिए, तो पब्लिक की नज़र में वो कैसा लगा क्या लगा वो तो कोई भी बोले। जैसे कोई फिल्म से निकलते, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि पठान फिल्म एकदम घटिया है, तो क्या मैंने केस कर देगा मेरे ऊपर, अरे घटिया लगा मैं क्या करूँ, तुमने फिल्म, मैं तो उल्टा मैं फिल्म देखने लगा, टिकट का पैसा वापस कर, इतना घटिया फिल्म बना दिया तुम, है ना। शाहरुख खान अच्छा हीरो है भाई, लेकिन जैसे उसकी एक फिल्म आई थी उसने बड़ा अच्छा एक्टिंग किया था, वो करण जौहर का फिल्म बताओ उसमें, जिसमें वो शादीशुदा से चक्कर चला लेता वो, यानी एक फिल्म शादीशुदा चक्कर चलाता है इन लोगों का। तो दीपिका पादुकोण रियल लाइफ में शादीशुदा है, उस फिल्म में थोड़ी थी, बताओ
कभी खुशी कभी गम नहीं यार। सीन बताऊं, उसमें अभिषेक बच्चन है, अमिताभ बच्चन है, कभी अलविदा ना कहना, एकदम सूट किया। वो फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगती है, 100 बार दिखाओगे मैं 100 बार देखूंगा। लेकिन एक फिल्म आई थी दर्दे डिस्को वाला गाना जो था इसमें, महा घटिया। कोई मुझे फ्री में उसका डीवीडी देगा ना, मैं डीवीडी तोड़ के फेंक दूंगा। पता ही इतना, कभी कभी शाहरुख खान एकदम सरावा फिल्म बना देता और कभी कभी बहुत अच्छा बनाता। जैसे कभी अलविदा ने कहना, मैं थोड़ा सा टेढ़ा रोल लिया, हर बात पे गाली गलौज करता, मुझे अच्छा लगा वो थोड़ा टेढ़ापन में अच्छा लगता है कि नहीं। और जहां ये एक्शन में आता, एक्शन लगता है कहीं से एक्शन कर पाएगा वो, उसमें तो जिस रस्सी पर लटकता है रस्सी उससे ज्यादा भारी दिखता है। अरे भाई थोड़ा मैस्कुलिन, अब अजय देवगन है जैसे, हाँ खड़ा हो गया तो लग रहा मर्द आ गया, लेकिन ये लोग तो बस किरण ही बोलने में रह जाएगा। आइए अच्छा अगला, तो पब्लिक परफॉर्मेंस है तो जल्दी बताओ, तो भाई कोई बोलेगा ना, तो यहां लिख दो कहीं क्रिटिक्स लिखो क्रिटिक्स। और ये लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं लेकिन वो भी डिफेमेशन माना नहीं जाता, क्योंकि आपने अपना खुद ही प्रोडक्ट कहां डाला है, पब्लिक की नजर में डाला है। चलिए जी अब देखो यहां पे, किसी ने तुमको कुछ बोला लेकिन ऐसा बोलने का उसके पास लॉफुल अथॉरिटी है, क्या है? लॉफुल अथॉरिटी है। एग्जांपल दे रहा हूं, अब लॉफुल अथॉरिटी कैसे आ सकता है भाई? कॉन्ट्रैक्ट से आ सकता है, लॉ से आ सकता है। जैसे एग्जांपल, एक जज है, लिखो सेंस्योरिंग का मतलब, देखो जल्दी देखो सेंस्योर का मतलब देखो। एक्चुअली सेंस्योर का मतलब होता है एक तरीके से डांट लगाना। आप देखो सेंस्योर का मतलब एग्जैक्ट हिंदी लिखवा दे रहा हूं, देखो तो क्या है, निंदा। निंदा का मतलब क्या होता है? निंदा नहीं सुना कभी? निंदा मतलब किसी के बारे में गलत बोलना है? नहीं, क्रिटिसाइज, यस। निंदा लिखो, लिखने बहुत को तो लिखना ही नहीं आ रहा है, बहुत लोग तो ऊपर देख रहा है स्क्रीन पे कि लिखेंगे सर अब। अरे निंदा ऐसे ही तो होता है ना? तो सुनिए, जज साहब ने निंदा कर दिया किसका? विटनेस का या ऑफिसर ऑफ कोर्ट का? ऐसे विटनेस को बोला कि तुम साफ देख के ना मुझे चोर जैसे लग रहे हो। तो कहा आपने चोर बोला मुझे? डिफेमेशन का एक नया केस लिखिए। अरे तो चोर जैसा एक्टिविटी करे तो चोरी बोलूंगा ना। अरे जज सब बहुत डांट देता है आपको मालूम नहीं है? जज इसलिए डांट रहा है क्योंकि जज के पास लॉफुल अथॉरिटी है, कंडक्ट ही ऐसा किया तो चोरी बोलेगा ना तुमको कोई, है कि नहीं? अगला, अच्छा हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने उसके नीचे जितने भी स्टाफ हैं उनको ऑर्डर्स दे रहा है, और ऑर्डर्स देते वक्त बोला कि तुम तो मत ही करना, तुम तो एकदम स्लो आदमी हो। तो कहा आपने स्लो बोला मुझे? स्लो बोला आपने मुझे? अरे भाई तो तुम स्लो जैसा काम किए हो तो स्लो ही ना बोलेगा। अब इतने इतने बाप पे डिफेमेशन केस होने लगे तो करोड़ों केस हो जाएंगे, ऐसे तो कोई दुनिया में किसी को डांटेगा ही नहीं, है कि नहीं? चलिए आगे, पेरेंट, बस पेरेंट गुड फेथ में चाइल्ड के भलाई के लिए दूसरे बच्चों के सामने भरपूर बेइज्जती कर रहे हैं तुम्हारा। जैसे इनको देखो, इस बच्चे को देखो, सीएस निकल गया इसका, इस बच्चे को देखो सीएस करके 2 सीएस से शादी भी कर चुका है, इस सीएस को देखो 3 बच्चे भी हैं, तीनों सीएस डब्ल्यूटी में, एक तुम हो, अभी तक तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। तो अगर पिताजी माताजी ऐसा बोल रही हैं तो वो चाहती हैं कि तुम इन लोग को भी देख के मोटिवेट होके सीएस बनो, तो ये क्या मतलब डिफेमेशन केस कर दोगे माता पिता पे, है कि नहीं? चलिए, स्कूल मास्टर याद है ना, स्कूल मास्टर में मैं भी आऊंगा, हर टीचर आएगा, ठीक है? अपने पीपल का मतलब स्टूडेंट्स विद्यार्थी को डांट लगा रहा है। आपको मालूम है जो टीचर्स होते हैं उनको अथॉरिटी पेरेंट्स से ही मिलती है जी। अब वही है, पेरेंट 2 तरीके के हैं, याद रखिएगा। मेरा तो बहुत बार मानना रहा है कि अगर बाल बच्चा बिगड़ता है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ माता पिता का होता है। आप मानिए, आपके घर में भी आपने बहुत बार देखा होगा, घर खानदान में हम जब जन्म लेते हैं ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो एक मिट्टी जैसा होता है, आप जैसे ढालेंगे ऐसे ढल जाएगा। थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होता है, बहुत बार देखिएगा एक ही घर में 3 बच्चे, 3 में से 1 हिलावा निकलेगा, लेकिन उस हिले हुए को भी शांत किया जा सकता था बचपन में, लेकिन आपने शांत नहीं किया। बहुत बार देखिएगा ज्यादा दुलार प्यार के चक्कर में बच्चा बिगड़ जाता है, बहुत बार ऐसा होता है, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए
अब मैंने क्या देखा, जैसे हमारे माता पिता थे, टीचर को बोलते थे फोन पे, मैं हॉस्टल में रहता था बचपन में, कि मारते पीटते रहा कीजिएगा। अब बताओ मैं किसको कंप्लेन करूंगा, पिताजी मेरे हॉस्टल वाले को बोल रहे हैं कि इसको पीटते रहिएगा तभी ठीक रहेगा, तो आप बताओ अब कोई बच्चा कंप्लेन करने के लिए। लेकिन कुछ माता पिता, एक थप्पड़ मार दो तो माता पिता स्कूल में आ जाते हैं, आपने हमारे बच्चे को मारा तो मर गया बच्चा, अगर मारा है तो कोई कारण होगा तभी ना मारा है, तो ले जाओ तुम ही पढ़ा लो, अपना स्कूल खोल लो। अरे भाई थोड़ा बहुत जरूरी है, अगर बच्चे को छोटे से ही थोड़ा सा डर इन सब बातों का नहीं रहा माता पिता टीचर का, तो क्या वो करेगा आगे जाके। मेरा मानना हल्का सा डर तो होना चाहिए। तो याद रखना कुछ के माता पिता खुद ही स्कूल को जाके बोलते हैं अगर ये जीरो लाए ना तो इसको धुन दीजिए। कितने लोग स्कूल में मार खाए सच सच बताना, दिल्ली वाले तो नहीं खाए होंगे, दिल्ली में तो ये सब कल्चर नहीं है मारने पीटने का, यूपी बिहार वाला सब तो खूब खाया होगा, हरियाणा वाला सब खाए हो। अरे मुझे तो उल्टा उल्टा के पीटा गया है। मेरे स्कूल में तो बहुत मार खाया हूं मैं। चलिए अगला। अच्छा एक मास्टर, मास्टर का मतलब एम्प्लॉयर, किसको बोलना है सर्वेंट को, जैसे इधर देखो देखो कभी कभी ऐसे बोलता है मास्टर, अरे अंधा है दिखाई नहीं दे रहा उठा ले इसको, करता है जी क्योंकि तू काम ही वही कर रहा। अब एम्प्लॉय देख रहा है, सुनिए एम्प्लॉय देख रहा है कि सामान गिरा हुआ है और उठा नहीं रहा है, तो उसमें एम्प्लॉयर को गुस्सा नहीं आएगा, क्या बोले अंधे हो तुम, तुम दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहा अंधा कैसे बोला, अंधा कैसे बोला डिफेमेशन केस, तो ऐसे थोड़ी होगा यार, इतना तो इतना भी नहीं बोल पाऊंगा तो तू ही भगवान बन जा, मैं ही उठा लेता हूं। चलिए आगे। अच्छा बैंकर किसको डांट रहा है, कैशियर को, है ना, इन सबको डांट रहा है कि यार ठीक से काम करो, इतनी लाइन लग गई है क्या कर रहे हो तुम है? तो डांटता रहता है, तो ये सब चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला बोलो, अगला बोलिए, जो भी बोला किसमें बोला, गुड फेथ में बोला। एग्जाम्पल देखिए यहां पे, देखिए इधर ए ने किसको एक्यूज किया, जेड को, किसके सामने चलेगा, अब मिनिस्टर के सामने भी एक्यूज नहीं करेगा तो कहां करेगा। अगला ए ने कंप्लेंट किया किसके खिलाफ, जेड के खिलाफ, देखो ना ए इन गुड फेथ कंप्लेंट ऑफ द कंडक्ट जेड, जेड किसका था, अ सर्वेंट टू, नहीं नहीं अ सर्वेंट टू जेड मास्टर, मतलब जेड के खिलाफ कहां कंप्लेंट हुआ, जेड के मास्टर को। जैसे मेरे पास बहुत होता है, दूसरे लोग आते हैं मेरे पास एम्प्लॉय के बारे में, कहते हैं कि आपका एम्प्लॉय ठीक नहीं है, आप इसको समझाइए, ये होता ना ऐसे करते ना, बहुत बार स्टूडेंट भी बहुत बार बोल जाता है कि सर ये काम नहीं हो पाया, ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, बोलता है मुझे। आइए तो मैं थोड़ी केस कर देता हूँ स्टूडेंट पे। इन गुड फेथ कंप्लेंट्स ऑफ कंडक्ट ऑफ जेड अ चाइल्ड टू, मतलब बताइए किसको कंप्लेन कर रहा है, जेड के फादर को, कि ये जो आपका बच्चा है बड़ा नालायक है, इसको घर में रखा कीजिए, पार्क में मत भेजा कीजिए, है ना, पार्क के अंदर जितने भी मशीन से सब उखाड़ दिया, हाँ ये छोटे छोटे बच्चे मारपीट करवा देते हैं। चलिए नाइन्थ एक्सेप्शन, जरा बताइए तो ये क्या है, कभी कभी आपने गुड फेथ में दूसरे को बचाने के लिए, दूसरे को बचाने के लिए आपने कुछ बोला, तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव किसी का मान हानि नहीं करना था, उल्टा किसी को बचाना था, तो किसी को बचाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्सेप्शंस काफी हैं। इसका मतलब एक बात बताओ, ये जो एग्जैक्टली राहुल गांधी को जो सजा हो गई, तो राहुल गांधी के वकील ने सारे एक्सेप्शन को यूज किया होगा, नहीं यूज किया होगा कि बच जाएं बच जाएं, पर मुझे लगता है उनका किसी एक्सेप्शन में फॉल नहीं किया, और जब नहीं फॉल किया तो सजा ही हो गई। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किसी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए भी लोग करते हैं, इधर देखो ए एक दुकानदार है और अपने स्टाफ को बोल रहा है ए जेड आए जेड को मत देना कुछ, है ना, क्योंकि मुझे मालूम है वो पैसा नहीं देगा, एकदम उसके बेईमानी पर पूरा विश्वास है मुझे जी। अच्छा बताइए जेड ने, ए ने अपने स्टाफ को बोला कि जेड आ रहा है उसको मत बेचना कोई, क्योंकि दो चार बार बेच चुका हूँ ये पैसा नहीं दिया, तो क्या मतलब अगर वो जेड सुन लेगा माना नहीं कर देगा, अरे तुमको बोल रहा है, वो अपने स्टाफ को बोल रहा है ना, तुम्हें क्या दिक्कत है, वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, तुम फिर आओगे ये सामान बेच देगा मालूम चला फिर से क्या होगा, तुम पैसा नहीं दोगे, तो हम अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अपने स्टाफ को समझा रहे हैं कि इसको कुछ मत देना ये बेईमान है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है कि नहीं, हम तुम पर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं, तो ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पढ़ो। तो एक मजिस्ट्रेट है, उसने अपना एक रिपोर्ट बना के अपने सुपीरियर ऑफिसर को दिया और उसमें उसने इल्जाम लगा दिया जेड पे, तो भाई वो इल्जाम कोई पर्सनल इल्जाम थोड़ी लगाया है, अब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीडिंग चली होंगी,
उसमें जज गलत आदमी साबित हुआ होगा तो रिपोर्ट में लिख दिया ये गलत आदमी, लिख देगा ना वो रिपोर्ट में, तो लिखेगा ना गलत आदमी, उसके सामने गलत आदमी साबित हुआ तो लिखेगा नहीं वो गलत आदमी, तो क्या ये तो गुड फेथ में माना जाएगा ना, उससे कोई पर्सनल दुश्मनी उससे थोड़ी है। लास्ट वाला बोलो, 10th एक्सेप्शन, जल्दी बोलो। पहले तो गुड फेथ है और फॉर पब्लिक गुड, मतलब जैसे पब्लिक गुड में, सुनो इधर देखो, जैसे मालूम चला कि कोई पागल घूम रहा है गली में और पागल इतना भयंकर पागल है कि जिसको देखता है उसको पीट देता पकड़ के या उसका कपड़ा नोच लेता है, अब बताइए पब्लिक गुड के लिए एक फोटो लगाया उसका कि ये आदमी पागल है और जहां मतलब ये आपके आसपास आए तो सबसे पहले आपका सारा कपड़ा खोल लेगा ये, तो आप इससे बच के रहें, तो क्या वो पागल आदमी केस कर देगा? बोलो, आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये पब्लिक गुड के लिए क्या है, पब्लिक गुड। और सुनिए, आतंकवादी सबका पोस्टर लगता है कि इस आतंकवादी की हमें तलाश है, तो केस कर देगा, कैसे लगा दिया? अरे भाई पब्लिक गुड है ना, क्या ये पब्लिक गुड, तो ये सब कर सकते। इसका एग्जांपल लिख लो ना, ये सब एग्जांपल जो बता लिख लो, क्या लिखो बताओ, क्या क्या आतंकवादी के बारे में, जो भागे हुए कैदी होते हैं उसके बारे में, सुना ना हम लोग पोस्टर लगवाती है पुलिस, तो वो लगवा सकती है, चूंकि किसके लिए, पब्लिक गुड के लिए, किसके लिए, पब्लिक। चलिए आगे बढ़े, देखो तो डिफेमेशन का क्या पनिशमेंट है, 2 साल तक की जेल और फाइन और दोनों भी, मतलब राहुल गांधी पर मैक्सिमम ही लगा दिया, नहीं पूरा 2 साल ही लगा दिया, देखो लिखा ना विच मे एक्सटेंड टू, ऐसे 2 साल से कम भी हो सकता था लेकिन तो पूरा 2 साल ही लगा दिया यार, थोड़ा सा तो कम रखना चाहिए था, मुझे लगता उस यात्रा का असर हुआ नहीं। चलिए आगे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। डिफेमेशन कितने तरीके का होता है बताओ, दो, एक लाइबल एक स्लैंडर। लाइबल में क्या करते हैं आप, परमानेंट फॉर्म या विजिबल फॉर्म में किसी के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, जैसे राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स, ये सब परमानेंट हो गए। स्लैंडर में क्या करते हैं आप, टेम्पररी फॉर्म, ट्रांजिशनरी का मतलब टेम्पररी फॉर्म, जैसे सिर्फ बोल दिया, क्या कर दिया, बोल दिया, अब बोला हुआ तो वापस भी हो सकता है, मैंने नहीं बोला था क्या कर लोगे, तो अगर टेम्पररी है तो लाइब, स्लैंडर है, परमानेंट है तो लाइबल है। बात समझ में आ गया?